अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं मोहम्मद जासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आ गया जी 12 एक्सरसाइज 7A सिक्स क्लास के मैथ की, क्वेश्चन नंबर 12 में वो ये कह रहा है कि एक स्कूल है जिसमें जो है 1200 स्टूडेंट्स हैं। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, वो 1200 है। कह रहा है कि 1200 स्टूडेंट हैं। इन द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर टू द स्टूडेंट इज 1:15 है। मतलब वो कह रहा है कि जो स्टूडेंट टीचर और स्टूडेंट की रेशो है वो 1:15 क्या है, 15 है। और कुछ टाइम के बाद कोई मज़ीद टीचर ज्वाइन कर लेते हैं स्कूल को, तो जो नई रेशो है वो 3:40 बन जाती है, 3:40 बन जाती है। तो फाइंड हमने क्या करना है, द इनिशियल नंबर ऑफ टीचर इन द स्कूल, द नंबर ऑफ टीचर हु ज्वाइन इन द स्कूल। अब कह रहे हैं कि इनिशियल टीचर जो थे वो कितने थे, और जब दोबारा कुछ टीचर ने ज्वाइन किया तो तब जो है वो कितने थे जो बाद में जिन टीचर्स ने ज्वाइन किया। ठीक है, तो अब हम लेट कर लेते हैं, लेट इनिशियल नंबर ऑफ टीचर्स इन अ स्कूल वो कितने हैं जी, एक्स हैं। तो देन इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल वो कितने हो जाएंगे, 15x हो जाएगा। क्योंकि वो कह रहा है 1:15, मतलब 1:15 उसने बताया हुआ है कि टीचर्स और जो स्टूडेंट की रेशो है वो 1:15 क्या है, 15 है। तो हमने लेट कर लिया कि वो 1 मतलब x एक x और 15x है। हमने लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ टीचर हैं वो x हैं और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो क्या है, इनिशियल उनकी रेशियो है 15 है। अब उसने जो हमें कंडीशन बताई हुई है, अकॉर्डिंग टू हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक हम इसको ऐसे लिखते हैं। ये देखो हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है, ये भी हमारे पास क्या है, स्टूडेंट है। तो 15x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1200। एक्स इधर ही रह जाएगा, ये आ जाएगा जी 1200 डिवाइड बाय 15 एट ज़र 120 और ज़ीरो इधर चला जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 80 आ गया। अब देखें उसने हमसे क्या कहा था कि पहले क्या था, इनिशियल नंबर ऑफ टीचर इन अ स्कूल। अब देखो हमने टीचर क्या है, इनिशियल नंबर ऑफ टीचर इन अ स्कूल हमने एक्स कहा है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 18। तो इसका मतलब हुआ कि इनिशियल नंबर ऑफ टीचर इन अ स्कूल कितने आ गए, 80 आ गए। ठीक है जी, आप 80 आप ये वाली लाइन बेशक यहाँ पे दोबारा लिख लेना, इनिशियल नंबर ऑफ टीचर इन अ स्कूल इज इक्वल टू 80 आप यहाँ लिख लेना। अब इनिशियल टीचर तुम्हारे पास आ गया जी 18। अब होता है कि जब कुछ स्टूडेंट टीचर जब और ज्वाइन करते हैं, व्हेन सम टीचर्स ज्वाइन स्कूल, जब वो टीचर स्कूल ज्वाइन करते हैं तो देन फिर क्या होगा। अब हमारे पास इस तरह है, बल्कि इनको ऐसा कर लेते हैं, लेट न्यू टीचर ज्वाइन वो क्या है, इसको लेट कर लें, लेट यही बात कर रहे हैं ना कि दे सम टीचर ज्वाइन इन द स्कूल, हाँ ठीक है, लेट द टीचर्स ज्वाइन स्कूल इज इक्वल टू क्या है, वाई है। हमने लेट कर लिया कि वो वाई टीचर्स और हैं जिन्होंने स्कूल को ज्वाइन किया। पहले कितने टीचर थे, पहले टीचर थे जी एक्स, और कितने टीचर आ गए, वाई आ गए, एक्स प्लस वाई आ गए और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा जी, कितना उसने रेशो बताई है, 3:12 क्या है जी, 3:12। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और आपके लिए आसान के लिए ना मैं इस तरह लिख लेता हूँ, क्योंकि उसने रेशो दिया ना। अब मैं लिखता हूँ जी टीचर रेशो स्टूडेंट इज इक्वल टू
कितने बताए, 3:40। ठीक हो गया जी। टीचर्स कितने हैं, पहले टीचर थे एक्स, फिर कितने टीचर ने ज्वाइन किया और ने जो ज्वाइन किया वो कि टोटल कितने टीचर हो गए, यानी पहले एक्स टीचर थे, फिर कुछ टीचर ने ज्वाइन किया वो कितने हैं वाई, तो टीचर टोटल कितने हो गए एक्स और वाई, यानी इनिशियल टीचर एक्स थे, फिर कुछ टीचर और ने ज्वाइन किया तो ये हमारे पास क्या हो गए, वाई हो गए प्लस सॉरी रेशो, स्टूडेंट कितने हैं 1200 इज इक्वल टू 3:40 से आ गया। अब ये देखें एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 80 है, प्लस वाई ये इसके नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और 3 अवर हमारे पास क्या आ जाएगा, 40। अब हम इन्हें क्या करेंगे, 80 + y इज इक्वल टू 3/4। अभी देखें ये हमारे पास क्या है x, ये जो 1200 इसके नीचे डिवाइड हो रहा था उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 12, ये 0 ऊपर चला गया, यानी 40 का टेबल 1200 पे 30 टाइम जाता है, तो 80 + y इज इक्वल टू ये आपस में क्या हो जाएंगे, 3 × 30, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 90, 80 + y, तो y इज इक्वल टू 90, ये इधर जाके क्या हो जाएगा 80 माइनस हो जाएगा, प्लस हो रहा था माइनस, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया जी 10t 10। तो ये हमने क्या किया है, नंबर ऑफ टीचर, उसने क्या कहा जी, द नंबर ऑफ टीचर हु ज्वाइन द स्कूल वो कितने हैं जी, 10 है। तो हम बेशक अब यहाँ पे साइड पे या नीचे लिख लिए, नंबर ऑफ टीचर्स हु जॉइंस स्कूल इज इक्वल टू कितने हैं जी, 10 है। यानी इनिशियल टीचर हमारे पास कितने थे, 80 थे, और जो नए टीचर हुए उन्होंने कितने ने ज्वाइन किया, 10 नए टीचर ने ज्वाइन किया, ये 10 नए टीचर ज्वाइन कर गए हैं, तो हमारे पास क्या हो गया जी, ये इसका आंसर आ गया, नंबर ऑफ टीचर्स हु ज्वाइन स्कूल इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया जी 12। अभी हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो आ जाता है जी 13 आ गया है, हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर वीडियो को पास करके इसका स्क्रीन शॉट ले लें, क्वेश्चन आपने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 में वो ये कह रहा है हमें कि तीन जो हैं दोस्त हैं, तीन लोग हैं, एक का नाम इथन है, फरहान और माइकल, उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है ना वो की है जी 4,27,000 डॉलर हैं, 6,71,000 डॉलर हैं, एंड देन 3,5,000 डॉलर हैं, और क्या हुआ कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की और कुछ सालों बाद उन्होंने जो प्रॉपर्टी थी वो बेच दी, तकरीबन 18,97,500 डॉलर में बेच दी। तो वो कह रहे हैं कि बताएं कि जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव्ड, कि हर बंदे ने जो प्रॉफिट रिसीव की है वो कितनी है। तो पहले हम ऐसा करेंगे इनकी रेशो निकालेंगे, एथन की है, दूसरा हमारे पास ये क्या है जी, फरहान है, और तीसरा हमारे पास क्या है जी, माइकल है। ठीक हो गया जी, सॉरी AEL माइकल। अब जो एथन है उसने की कितनी है, 6,42,730 है आगे। अच्छा ये डॉलर का साइन इधर में लगा दो, इधर भी डॉलर का साइन लगा के आगे जी है मेरे पास 671,67,130 आगे जी, नेक्स्ट मेरे पास है जी 3,053 डॉलर का साइन, 3,05 और 3,0, ऐसे करेंगे इन तीन जीरो को पहले कैंसिल कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी, $4,27 ratio $6,71 ratio
$305 हमारे पास क्या हो गए, आ गए, ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें क्या है कि सेवन के टेबल से हम क्या करते हैं कि इन सारों को, आई थिंक पहले इनको किसी टेबल से ऐसे से कैंसिल करते हैं कि जो हमारे पास आ जाए। इन सब को ना 61 से मैंने डिवाइड करना है, तो 461 को जब मैंने डिवाइड किया जी, तो ये आ गया मेरे पास $7 रेशो 671 डिवाइडेड बाय 61 $11 आ गए रेशो 305 डिवाइड बाय 61, तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, $5 आ गए। इन सबको मैंने 61 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक और भी आप कर सकते थे कि जैसे मैंने, अच्छा ये कैसे हुआ कि मुझे थोड़ा सा एक आइडिया, मैंने ये 61, आप सोचोगे मैंने 61 कैसे निकाल लिया। अब ये देखिए, मैं थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है, क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई एक हिंट होता है। मैंने इसे 7 पे जब डिवाइड किया, 7 6 42, तो 7 1 7, ये 61 मेरे पास इस तरह आ गया था जब इसे मैंने 7 पे डिवाइड किया, क्योंकि टेबल पता चल रहा है कि 7 6 और 7 1। फिर इन सबको जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया कि इन सब पे 61 का टेबल कॉमन है, तो इसलिए मैंने इनको 61 से डिवाइड कर दिया। अब ये तो मेरे पास जो रेशो आ गई है, रेशो मेरे पास आ गई है इन सब की, रेशो ऑफ देयर शेयर इनफैक्ट, वो आ गया जी 7:11:5। अब मैंने क्या करना है कि सम ऑफ रेशो भी मैं यही निकाल लेता हूँ, सम ऑफ रेशो मुझे चाहिए होगा आगे जाके, सम ऑफ रेशो 7 = 7 11 + 11 + 5, तो ये कितना हो जाएगा जी 18 और 23 हो जाएगा, यस 23 हो जाएगा, सम ऑफ रेशो 23 हो जाएगा। अब उनको जो प्रॉफिट मिला, यानी कि जितने में उन्होंने सेल की, जो उन्होंने सेल की, तो पहले हम जो है टोटल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, देखो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है। टोटल इन्वेस्टमेंट ये है कि इस ये तीनों ने इतने इतने पैसे लगाए थे, तो इन तीनों वैल्यू को हम ऐड करेंगे, टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 427000 + 671000 + 305000। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है जी, अब टोटल इन्वेस्टमेंट ये है कि एथन ने जो पैसे इन्वेस्ट किए, फरहान और माइकल, इन तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल अमाउंट जो है वो हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, ऐड कर लेते हैं। ऐड हमारे पास जी 427000 + 671000 आ गया, एंड देन वी हैव 305, तो ये हमारे पास आ गया जी, ये तकरीबन कोई 14,03,000 जो डॉलर हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। अब कितने में उन्होंने सोल्ड किया, जो सेल प्राइस है वो है जी, उन्होंने कितने में बेची, उन्होंने बेची जी 18,97,500 में उन्होंने सेल कर दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ, देखो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट जो है वो इस तरह होगा कि 18,975 यानी जो जितने में बेची, सेल प्राइस माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट, दैट इज़ 14,03,000 में उन्होंने इसको क्या कर दिया, बेच दिया। ये हमारे पास आ गया जी
$4,500 क्या हो गया, इनका प्रॉफिट आ गया। ये टोटल जो प्रॉफिट उन्होंने कमाया अपनी इन्वेस्टमेंट से, $4,94,500 उनको प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, अब इस प्रॉफिट में एथन का भी शेयर है, इस प्रॉफिट में फरहान का भी शेयर है, इस प्रॉफिट में माइकल का भी शेयर है। तो अब हमने इनका क्या निकालना है, शेयर। यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और क्या करें कि आप ये उतार लें, कुछ चीज़ें मैं यहाँ से एरेज करूँगा। चलिए अभी थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर एक हद स्टेप कर लेते हैं। पहले हम निकालते हैं जी एथन का शेयर। एथन शेयर बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अब जो एथन की जो शेयर है वो रेशो कितनी है, एथन की जो रेशो है वो 7 है डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो, यानी इसका जो शेयर है वो 7 इसकी रेशो है, टोटल इन तीनों का जो सम है वो 23 है। नीचे आएगा जी सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई में जो टोटल प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई कर दें। जब भी कोई शेयर निकालें तो रेशो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल जो अमाउंट है जिसमें उसका शेयर निकालें उससे मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हम ऐसा करते हैं कि 4,94,500 मल्टीप्लाई बाय 7 करके कर दिया और फिर डिवाइड कर देते हैं साथ ही 23 से, तो 1,5,500 डॉलर जो हैं वो किसके हैं जी, एथन का, एथन का जो शेयर है वो हमारे पास आ गए। ये एथन का शेयर आ गया, ये डॉलर का साइन है, ठीक है। 1,50,500 डॉलर जो है एथन का शेयर आ गया। अब वीडियो को पास करके आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैं रेज करूँगा ताकि मैं इन दूसरों का फरहान और माइकल का भी शेयर निकालूँ। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। अब मैं जो है फरहान का शेयर निकालता हूँ। फरहान शेयर, अच्छा फरहान की रेशो थी हमारे पास 61 से, आई थिंक डिवाइड किया था 61 से, मैंने एसएल रेज कर दिया। 60 कितनी है उसकी प्रो जी, 11 था उसका शेयर कितना, क्या था, 11 था। जो सम ऑफ रेशो है वो कितनी है, 23 है, 23 सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट, दैट इज 4,94,500। ये क्या है टोटल। अब मैं क्या करूँगा, फरहान शेयर इज इक्वल टू, अब 4,94,500 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4,94,500 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइडेड बाय 23, 236,500 जो डॉलर है ये आ गया जी फरहान का शेयर। अब लास्ट में मेरे पास आ जाता है जी माइकल का शेयर आ जाता है। माइकल शेयर जो है, माइकल की जो रेशो है वो मेरे पास कितनी है जी, उसकी वैल्यू टोटल कितनी है, 305, इसकी रेशो मेरे पास क्या है, 5 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशो दैट इज 2300 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो अमाउंट है दैट इज 494 और क्या है जी 500, इसको मैं थोड़ा सा 500, ठीक है जी 4,94,500। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे पास 494 है इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, 4,94,500 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 23, तो इसका जो शेयर है वो मेरे पास आ गया जी $107,500। ये मेरे पास क्या हो गया जी, माइकल का शेयर आ गया। माइकल का जो शेयर है वो मेरे पास है। अब इन सारों को मैं ऐड करके देखो देखता हूँ तो मेरे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो इतना ही बनेगा, 1,50,500 प्लस 236,500
500 प्लस 107500, तो एग्जैक्ट मेरे पास 4945, यानी इन तीनों, एक दो तीन, इन तीनों का जो शेयर है इसको सम करोगे तो यही हमारे पास 4,94,500 डॉलर जो है वो आ जाएंगे। तो उसने कहा था कि जी हर एक का शेयर फाइंड करें, तो हमने हर एक का जो शेयर है वो हमने फाइंड कर लिया और इस तरह हमारे पास इन तीनों का शेयर आ गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है 313 जो है वो हो गया कंप्लीट। तो आई होप के क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक आध क्वेश्चन एक और भी कर लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14 है। वीडियो को पास करके इसको ऐसा करें कि उतार लें। क्वेश्चन नंबर 14 एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन उतार लिया होगा हमने। अच्छा जी, अब वो कह रहा है फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू थ्री एंड एट, सो दैट नंबर, सो दैट द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर बिकम्स क्या है, एट है। तो ले हम क्या करें, लेट द नंबर दैट, क्वेश्चन नंबर आ गया जी 14, लेट द नंबर दैट मस्ट बी एडेड, यस दैट मस्ट बी एडेड इज इक्वल टू क्या है जी, एक्स है। अब हमारे पास जो दो उसने नंबर दिए हुए हैं वो क्या दिया हुआ है जी, कह रहा है कि अगर इसको नंबर को ऐड कर दिया, दो नंबर है हमारे पास, इन दो नंबर को मैं इस तरह लिख लेता हूँ थोड़े आपके लिए आसानी के लिए। क्या नंबर है जी हमारे पास, 3:8 इज इक्वल टू, दूसरा मेरे पास क्या है जी, 2:3 है। अब कह रहा है कि जो नंबर ऐड कर रहे हैं 3+x:8+x इज इक्वल टू 2:3, कि जो नंबर हमें उसे 3 दिया हुआ है, कह रहे वो क्या कौन सा नंबर होगा जो इसमें ऐड होगा। तो हमने जस्ट सपोज कर लिया कि x है, तो इसलिए x इस 3 के साथ भी ऐड होगा, और यानी कि ये दो नंबर हैं 3 और 8 है। कह रहे अगर वो उसमें कोई नंबर ऐड कर दिया जाए तो जो न्यू रेशो है वो 2:3 बन जाती है, 2:3 बन जाती है। 2:3 कब बनती है, जब आप एक नंबर ऐड करते हो। तो असल में ये लाइन लिखने की ज़रूरत, वैसे आपको एक्सप्लेन किया है, आप बेशक इसको ख़त्म कर दें। सिंपल ये है कि मेरे पास एक नंबर था 3, उसमें मैंने x ऐड किया, इसी तरह दूसरा नंबर था रेशो, दूसरा नंबर 8 था, उसमें मैंने x ऐड कर लिया और जो नई रेशो बनी वो 2:3 बन गई। ठीक हो गया। अब मेरे पास क्या हो गया जी, 3+x/8+x इज इक्वल टू 2:3। क्या हुआ कि ये जो वैल्यू है पहले वाली और ये वाली वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू है और ये जो वैल्यू है, इनके दरमियान में क्या साइन है, रेशो का। तो ये वाली रेशो डिवाइड बाय ये वाला इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, ये इक्वल है, फिर ये वाला जो नंबर है इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। ये वैसे ही मैंने सर्कल लगाया, आप इसको लगाने की सर्कल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए सिर्फ आपको डिफरेंस बताने के लिए कि दरमियान में रेशो है और ये दो नंबर जो है इस तरह डिवाइड। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें, 3 × 3+x हो जाएगा और 2 × 8+x हो जाएगा। जब इस 3 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 9। इस 3 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो इस 3 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x हो जाएगा। जब 2 8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 16। प्लस जब ये 2 क्या मल्टीप्लाई होगा, x से, तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब मेरे पास क्या हुआ, ये देखे 3x, ये वाला 2x इधर आके -2x हो जाएगा, ये मेरे पास 16 है, ये जो 9 है उधर जाके माइनस हो जाएगा। 3x में से 2x गया तो मेरे पास x बचेगा, 16 में से क्या हो गया मेरे पास 9 गया तो पीछे 7 आ गया। तो इस तरह जो नंबर है इसमें ऐड किया जाए वो मेरे पास क्या है जी, 7 है। तो 7 हमने नंबर जो था निकालना था वो हमने निकाल दिया। तो अब देखें वो जो कह रहा था कि क्या नंबर ऐड किया जाए, थोड़ा सा इसमें आगे, फर्स्ट फाइंड द नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 3 और 8 सो दैट द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर बिकम्स 2:3, यानी पहले और दूसरे नंबर में रेशो जो है 2:3 आ जाए। अब मेरे पास ये है जी 3+x, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, सिर्फ आपका एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ। अब इसमें मैं जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, 7 है, 8+7,
ये देखें एक्स की वैल्यू 7 थी, ऊपर भी एक्स था 7 पुट कर दिया, नीचे भी एक्स था 7 पुट कर दिया, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया कितना 15। 5 के टेबल से कैंसिल करो, 5 2 10, 5 3 15, तो 2/3 वही चीज़ आ गई जो राइट साइड पे है, यानी कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो हमने कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर किसी किस्म की इन क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो नीचे जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है अपनी राय के साथ ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।